अपने चंचल स्वभाव और अपने आसपास की दुनिया के बारे में अपनी अतृप्त जिज्ञासा के लिए जाने जाते थे। एक धूप भरी दोपहर में जब फिन जंगल की खोज कर रहा था, उसने पास की एक साफ जगह से मदद के लिए एक हल्की सी चीख सुनी। ध्वनि का अनुसरण करते हुए फिन को रोजी नाम की एक छोटी लोमड़ी किप मिली, जिसने अचानक हवा के झोंके के बाद किसी तरह खुद को एक ऊंची पेड़ की शाखा पर फंसा हुआ पाया। अपने नए दोस्त की मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित, फिन जानता था कि उसे बचाने का कोई रास्ता खोजना होगा। फिन अन्य वुडलैंड प्राणियों से मदद मांगने के लिए जंगल में चला गया। उसने बुद्धिमान बूढ़े उल्लू से संपर्क किया, जिसने पास के मानव गांव से सहायता मांगने का सुझाव दिया। तात्कालिकता की भावना के साथ फिन ने गांव की ओर अपना रास्ता बनाया, जहां उसकी मुलाकात एमिली नाम की एक दयालु अग्निशामक से हुई। मदद के लिए फिन की गुहार सुनकर एमिली तुरंत हरकत में आ गई। उसने अपनी टीम इकट्ठी की और फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर वापस जंगल की ओर दौड़ पड़ी। उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वाहन की सीढ़ी से छोटी रोजी तक पहुंचने के लिए पेड़ बहुत ऊंचा था। हार न मानते हुए फिन और एमिली ने एक नई योजना पर विचार मंथन किया। वे स्थानीय वन्यजीव बचाव केंद्र पहुंचे और जल्द ही एक हेलीकॉप्टर को घटनास्थल पर भेजा गया। सटीकता और देखभाल के साथ हेलीकॉप्टर चालक दल ने रोजी को सफलतापूर्वक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया, जिससे फिन को काफी राहत और खुशी हुई। उस दिन से फिन और रोजी सबसे अच्छे दोस्त बन गए और जंगल में एक साथ अनगिनत साहसिक यात्राएं शुरू की। उनकी बचाव कहानी एक किंवदंती बन गई, जिसने जंगल के सभी प्राणियों को टीम वर्क की शक्ति, करुणा और दोस्ती के अटूट बंधन की याद दिला दी। और इस तरह फिन और रोजी के साहसी बचाव की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिससे दूसरों को जरूरतमंदों की मदद करने के लिए प्रेरणा मिली, चाहे वे कितने भी बड़े या छोटे हों।